नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। आज की इस एपिसोड में रिलायंस पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। पिछले लगभग 1-2 मंथ में देखें तो स्टॉक में 80% तक की तेजी दिखी थी और इस समय के रेजिस्टेंस के प्राइस से रिजेक्शन दिखा है। तो इस समय इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए उसको समझे इससे पहले आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दिया, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ सभी न्यूज़ कॉमन न्यूज़ है। एक यहाँ देखेंगे रिलायंस पावर, टाटा टेली सर्विस, इक्विटास, स्मॉल फाइनेंस बैंक, साइन ऑन राइजिंग डिलीवरी यानी भयंकर बाइंग दिख रही है। यहाँ देखेंगे आर पावर सेटल 925 करोड़ डेट ऑफ यूपी यूनिट विथ फंड्स फ्रॉम वर्दे पार्टनर्स के फंड को इसने सेटल कर दिया है। अपना जो डेट था यूपी के अंदर 925 करोड़। इसके अलावा कुछ भी बड़े न्यूज़ नहीं है। यहाँ देखेंगे तो यही सभी न्यूज़, हायर वॉल्यूम भी दिख रहा है वो भी न्यूज़, और डिलीवरी देखेंगे तो थोड़ा नॉमिनल लेकिन टेक्निकल एक रिजेक्शन दिखा है और इस समय वीकनेस दिख रही है। लेकिन आगे देखें तो आप पाएंगे कि एक रेजिस्टेंस है और फ्रेश बाइंग 17 के ऊपर ही करेंगे। लोअर लेवल के जितने भी बायर हैं उन्होंने 80% का प्रॉफिट गेन करा, यहाँ पार्शियली बुक दिख रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि नियर अराउंड 13 के लेवल से अगेन यहाँ से एक रिवर्सल दिख सकता है। तो बायर 13 के लेवल का वेट करें या 17 के लेवल को ब्रेकआउट करने दें मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेशन है कि 28-30 तक के लेवल्स नेक्स्ट 3-5 मंथ में दिख सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कॉशन बरतें।